Let's start revision of number systems. तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है which of the following is irrational? I hope you remember the concept. Irrational number कौन से होते हैं? जो रूट में रह जाते हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, है ना. रूट में हम देखें तो दो नंबर्स विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर और रूट में है, दे आर इरेशनल नंबर. दूसरा डेसिमल नंबर है तो जिसका डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, हाँ, ना तो टर्मिनेट होगा ना रिपीट होगा, वो आपके क्या है? इरेशनल नंबर्स. तो हम यहाँ पर ऑप्शंस पे नज़र डालें. फर्स्ट इज़ रूट फोर बाय नाइन. रूट फोर, फोर परफेक्ट स्क्वायर है टू का, नाइन थ्री का, तो दिस इज़ टू बाय थ्री. एक्चुअली ये आपका क्या बन गया? दिस इज़ टू बाय थ्री, तो ये तो क्या हो गया? रेशनल नंबर. रूट ट्वेल्व अपॉन थ्री, तो थ्री से ट्वेल्व कैंसिल होकर आ गया रूट फोर. रूट फोर इज़ टू, दिस इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर. रूट सेवन, रूट सेवन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, दिस इज़ एन इरेशनल नंबर. लास्ट ऑप्शन वाज रूट एट्टी वन. रूट एट्टी वन इज़ एक्चुअली नाइन. तो बाकी के तीनों रैशनल नंबर हैं, रूट सेवन इरेशनल नंबर है. कंसेप्ट क्लियर? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर. तो जो इरेशनल नहीं है वो रैशनल है, हाँ. तो ऑप्शंस क्या हैं? वन प्लस रूट थ्री, रैशनल प्लस इरेशनल, इरेशनल होता है, तो दिस इज एन इरेशनल नंबर. नेक्स्ट इज पाए. व्हाट इज पाए? पाए इज वर्ल्ड फेमस इरेशनल नंबर, क्योंकि उसका डेसिमल एक्सपांशन ना तो टर्मिनेटिंग होता है ना रिपीटिंग होता है, तो पाए इरेशनल है. टू रूट थ्री रैशनल मल्टीप्लाइड बाय इरेशनल इज इरेशनल एक्सेप्ट फॉर मल्टीप्लीकेशन बाय ज़ीरो, क्योंकि किसी भी इरेशनल को हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर ज़ीरो आ जाएगा, एंड ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर. तो हमारा लास्ट ऑप्शन ज़ीरो ही है. तो ज़ीरो क्या है? रैशनल नंबर. और पाई क्या है? इरेशनल नंबर. ये बातें बिल्कुल बेटा भूलना नहीं है, याद रखना. इनमें से कुछ भी आ सकता है आपका, ज़ीरो या पाई, या इस तरह से जैसे अभी दिया है. फिर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर. 1.899 डेसिमल फॉर्म में है, टर्मिनेटिंग डॉट 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 नहीं लगे, टर्मिनेटिंग, तो दिस इज अ रैशनल नंबर. 0.34 टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर. रूट 400 परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 20 का, रैशनल नंबर. लास्ट ऑप्शन इज पाए. पाए इज इरेशनल नंबर. तो आंसर क्या मिल गया इसका? पाए. नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ. द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर्स इज. दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा? तो यदि आपके पास एक रूट टू है और एक थ्री रूट टू है, दोनों इरेशनल नंबर हैं, और हम इनका यदि प्रोडक्ट निकालें तो थ्री रूट टू को रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट टू इंटू रूट टू क्या बन जाएगा? टू. तो ये थ्री टूज़ा, आंसर क्या आ गया? सिक्स, विच इज़ अ रैशनल नंबर. पर यदि हमारे रैशनल नंबर होते रूट टू एंड रूट थ्री, और अब हम इनका यदि प्रोडक्ट निकालें तो आंसर क्या आता? रूट सिक्स, विच इज़ एन इरेशनल नंबर. तो इरेशनल्स का प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर कैन बी रैशनल, कैन बी इरेशनल, इट डिपेंड्स नंबर कौन से हैं. यदि सेम नंबर रिपीट हो रहा है तो वो रैशनल हो जाएगा, अलग अलग नंबर है तो प्रोडक्ट इरेशनल हो जाएगा. तो आंसर क्या आएगा? समटाइम्स रैशनल, समटाइम्स इरेशनल नंबर. कभी रैशनल आता है, कभी इरेशनल आता है. ऑलवेज इरेशनल नहीं है, इस केस में रैशनल है. ऑलवेज रैशनल नहीं है, यहाँ पर इरेशनल है. ऑलवेज एन इंटीजर नहीं हो सकता, रैशनल इज एन इंटीजर. तो आंसर क्या आएगा? समटाइम्स रैशनल, समटाइम्स एन इरेशनल नंबर. नेक्स्ट इज इफ रूट टेन की वैल्यू गिवन है और आपसे पूछा है वन अपॉन रूट टेन. मैंने ये पहले आपको टेस्ट में भी दिया था, आपको क्या याद रखना है? वन अपॉन रूट टेन. तो रूट टेन की जगह यहाँ पर 3.162 नहीं रखेंगे, कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी. हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय रूट टेन होगा. तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय रूट टेन हुआ तो ये क्या बन गया? रूट टेन डिवाइडेड बाय टेन. ये हो गया रूट टेन डिवाइडेड बाय टेन. अब रूट टेन की वैल्यू तो 3.162 है और इसको डिवाइड करना है 10 से, तो डेसिमल एक प्लेस आगे शिफ्ट हो गया. आंसर क्या आ गया? 0.3162. तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. ये माइनस नहीं है, दिस इज डेसिमल, हाँ. 31316 कुछ नहीं, 0.3162. ये याद रखना हमेशा, जब भी रूट में कोई नंबर है उसकी वैल्यू गिवन है, यदि वो डिनोमिनेटर में है तो वहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट नहीं करनी है. रेशनलाइज करने के बाद न्यूमरेटर में वैल्यू सब्सटीट्यूट करके जो भी आगे कंडीशंस हो रही है अकॉर्डिंग टू दैट यू नीड टू सॉल्व.
है ना, ये कंसेप्ट हमने बहुत क्वेश्चंस किए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप इसमें कोई गलती करोगे। नेक्स्ट इज़ अ रियल नंबर विच इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या बोला, रियल नंबर। रियल कौन सा होता है, रेशनल इरेशनल दोनों नंबर रियल नंबर कहलाते हैं। पर क्या बोला है, विच इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो, मतलब रेशनल नंबर होगा। पर रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी हो सकता है, दोनों तरह का हो सकता है। तो हमसे क्या पूछा है, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो, और नंबर लिखे हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो हमको क्या याद आना चाहिए कि हमने क्या पढ़ा था, कि यदि कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो उसका डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में ओनली 2 आएगा, ओनली 5 आएगा, या 2 और 5 आएंगे, इसके अलावा कोई और प्राइम नंबर नहीं आएगा, है ना। कोई भी नंबर यदि टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो उसके डिनोमिनेटर में ओनली 2, ओनली 5 या 2 एंड 5 होंगे, उसके अलावा कोई और प्राइम नंबर आ गया तो ये सारे के सारे रैशनल नंबर है। जो भी पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा है दैट इज़ अ रैशनल नंबर, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। तो हम सबसे पहले हमने देखा क्या है, 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 5 का क्यूब, दिस इज 5 क्यूब, ओनली 5, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। 455, आप इसको 5 से डिवाइड करते तो 5 9 45, 5 13 7, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। 343 क्या है, 7 का क्यूब, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और 30 कैन बी रिटन एज 3 × 2 × 5, 2 और 5 के अलावा 3 आ गया, तो ये भी कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, है ना। तो हमको देखते ही डिनोमिनेटर देखते ही कंसेप्ट पता है, तो आप जल्दी से कर लोगे। अदरवाइज आप क्या करोगे, आप सबको यदि डिवाइड करते बैठोगे तो यू विल वेस्ट योर टाइम, उतनी देर में दूसरा बच्चा जिसको कंसेप्ट याद है वो आगे 2 क्वेश्चन और कर लेगा, जब तक आप सब चारों को डिवाइड करके देखते रह जाओगे। तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर √5 का डेसिमल एक्सपेंशन 2.23, ऐसा लिखेंगे क्या, ये क्या है, √5, 5 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, दिस इज़ अ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रेकरिंग, रिपीटिंग के लिए रेकरिंग वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, हाँ। तो जब भी रूट में कोई भी इरेशनल नंबर दिया है या कोई भी इरेशनल नंबर है सिंपली, हाँ, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन पूछा है, तो आंसर विल बी ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग। रेकरिंग की बजाय रिपीटिंग वर्ड भी यूज हो सकता है, रिपीटिंग एंड रेकरिंग एक दूसरे के साइनोनिम की तरह यहाँ पर यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th, अमॉन्ग द नंबर्स द स्मॉलेस्ट नंबर इज, आपको नंबर दिए हैं 1.110001 एंड 1.011012, तो 1 और 1, आपको क्या दिख रहा है, फर्स्ट डिजिट तो सबकी 1 है। सेकंड प्लेस पे हम कंपेयर करें, हमसे पूछा है स्मॉलेस्ट नंबर, तो ये इसके पास 1 है, इसके पास 0, इसके पास 0, तो ये तो सबसे बड़ा नंबर हो गया। अब हमें इन दोनों में कंपेयर करना है, तो हम इन दोनों नंबर्स को देखें, तो यहाँ डेसिमल के बाद 011 है, यहाँ भी डेसिमल के बाद 011 है, फिर उसके बाद यहाँ 012 है, पर यहाँ बार है, इसका मतलब दिस इज 011011 ये आएगा, तो ये स्मॉलेस्ट वन है, 11 इज स्मॉलर देन 12, तो ये वाला नंबर सबसे छोटा है, ऑप्शन डी 1.011 बार। तो इसमें कुछ भी देखो, क्वेश्चन में डिजिट्स कैन बी चेंज्ड बट द कंसेप्ट विल रिमेन सेम, आपको कंपेयर करना आता है, आपको कंसेप्ट पता है कि बार लगाए मतलब 0110111 इनफाइनाइट टाइम्स आप लिख सकते हो, तो आप कर लोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 5/3, 2/3 और 5/3 के बीच में इसमें से कौन सा रैशनल नंबर है, तो हम क्या करते, हम यहाँ पर हमको अपॉन में 6 नज़र आ रहा है, तो हम यदि इसको 6 में कन्वर्ट करें तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय क्या होगा, 2, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर 3 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 4/6, और ये 5 × 2 = 10/6, तो 4/6 और 10/6 के बीच में 1/6 2/6 तो नहीं आते। नेक्स्ट इज 5/6 7/6 आते हैं इसके बीच में, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। हाफ एंड 2/1, हाफ इज 0.5 एंड 2/1 इज 2, तो 5/3 के बीच में 2 कहाँ से आएगा, ये तो आ ही नहीं सकता। 2/3 एंड 4/3, 2/3 एंड 4/3 ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि बीच में बोला है, तो
तो 2/3 तो खुद ही है, 4/3 इज बिटवीन 2/3 एंड 5/3, बट 2/3 इज नॉट बिटवीन 2/3 एंड 5/3, वो तो बॉर्डर पे है, बीच के नंबर पूछे हैं, तो वो ऑप्शन भी करेक्ट है। तो आंसर 5/6 एंड 7/6। क्वेश्चन नंबर 10th, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशन इज, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? एक्सपोनेंट्स के लिए बेटा आपको क्या याद होना चाहिए? पावर। आप 2 को क्या लिख सकते हो? 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है, और 8 को हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 3 की पावर 2, दैट इज 2 की पावर 6, 3 2 जा 6। मैं बता रही हूँ, अदरवाइज मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप ऐसे ही याद रखो कि 2 की पावर 5 32 है, 2 की पावर 6 64 है, 2 की पावर 7 128 है, तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 की पावर 6। सिमिलरली 729 इज, 729 क्या है, 9 का क्यूब, हाँ, और 9 क्या है, 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर का क्यूब, तो ये भी क्या हो गया, 3 की पावर 6। तो 729 3 की पावर 6 है, 64 2 की पावर 6 है। अब आपको कम से कम टाइम में करना है, आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको सारे स्टेटमेंट्स नहीं लिखना है, तो यू नो दैट दिस इज 2 की पावर 6, दिस इज 3 की पावर 6, तो 2 अपॉन 3 की पावर 6, तो हम इसको 2 अपॉन 3 की पावर 6 लिख लेंगे। ऊपर की पावर माइनस 1/6, 6 कैंसल, 2/3 की पावर माइनस 1, रेसिप्रोकल कर दें तो पावर प्लस 1 हो जाएगी, तो इसका आंसर क्या आएगा, 3/2, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। जितनी कम स्टेप्स में करेक्ट आंसर निकाल लो बेटा उतना अच्छा, पर यदि कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो लिखने में कोई बुराई नहीं है, पर कोशिश ये करें कि कम स्टेप्स में कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर √2 + √5 का होल स्क्वायर इज, नॉट अ रियल नंबर, रैशनल नंबर, इंटीजर, इरेशनल नंबर, क्या होगा? तो √2 + √5 का होल स्क्वायर, ऐसे तो आपको देखते ही क्लिक कर जाना चाहिए कि दिस इज एन इरेशनल नंबर, क्योंकि हम इसको a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से खोलेंगे। तो √2 का स्क्वायर 2, √5 का स्क्वायर 5 प्लस 2, √2 × √5 इज √10, तो ये बना 7 + 2 √10, तो रूट में 10 आ गया, दिस इज एन इरेशनल नंबर, मल्टीप्लाइड बाय रेशनल इरेशनल प्लस इरेशनल प्लस रेशनल प्लस इरेशनल इरेशनल, तो आंसर क्या आएगा, इरेशनल नंबर। ए प्लस बी होल स्क्वायर हो, ए माइनस बी होल स्क्वायर हो, रूट में नंबर है, तो क्रॉस टर्म में 2ab वाली टर्म में रूट आएगा, रूट आएगा तो वो इरेशनल नंबर ही होगा। नेक्स्ट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर इज, सिंपलेस्ट फॉर्म आपको क्या पता है कि नंबर जो है उसको डिवाइड करके उसका HCF क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का 1, उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो हम देखें कि ये नंबर किस नंबर से डिविजिबल है, हाँ, 177, 7, 7, 14, 15, ये 3 से डिविजिबल है, 4, 5, 3, 8, ये 3 से डिविजिबल नहीं है, 5 से नहीं जाता, 7 से देखें तो 7 से डिवाइड होता है, 7, 9, 63, और ऊपर का नंबर 7, 2, 14, बचेगा 3, 37 नहीं जाता, तो नेक्स्ट इज 4 + 3, 7, 11 का भी नहीं है, 7 के बाद 11 नहीं है, 13 से करके देखें तो 13, 3, 39 बचेगा 2, 13 से भी नहीं जाता, फिर 17 से करेंगे तो ऊपर डेसिमल आ जाएगा, है ना, 17 से वो नहीं जाएगा, 19 से करके देखें तो 19 की टेबल में 177 नहीं आता, 171 आता है, 21 जाएगा नहीं, 37 से नहीं जा रहा, तो 23 से थोड़ा सा 177/4, 13, चलो 177 के फैक्टर्स,31 177 डिवाइडेड बाय 33
33 तो जा ही नहीं सकता, 37। थर्टी नाइन होगा नहीं, 41। हाँ 177, 413। मैं इसको इनफैक्ट 3 से डिवाइड करके देखती हूँ ना, 177 को 3 से डिवाइड किया, 3 5 15 बचेगा 2, 3 9 27, 59 है इसका फैक्टर। तो हम यदि 413 को भी 59 से डिवाइड करके देखें तो 7 टाइम्स जा रहा है। यस, फैक्टर ऐसे देखना चाहिए, मैं गलत तरीके से कर रही थी। मुझे ये तो पता था ना कि इसका फैक्टर 3 है, तो मैं इसको 3 से डिवाइड करते 59 मिला। 59 प्राइम नंबर है, 59 से इसको डिवाइड करके देखा हो रहा है, तो ये जा रहा है 3 टाइम्स, ये जा रहा है 7 टाइम्स, तो आंसर क्या आएगा, 3/7। तो बेटा फोकस करना फैक्टर्स पे, अननेसेसरी मुझे लगा एक्चुअली किसी छोटे प्राइम नंबर में ही आ जाएगा, इसलिए आई वॉज कीप ऑन ट्राइंग, बट बेटर मेथड किसी एक काम ने निकाल लिया, जैसे 177 हमें पता था 7 + 7 14 + 1 15, ये 15 आ रहा है मतलब 3 से डिविजिबल है, तो हमने इसको 3 से डिवाइड किया, हमें फैक्टर्स क्या मिल गए, 3 और 59। तो हमने 413 को 59 से डिवाइड करके देखा, वो एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो हमें फैक्टर्स आसानी मिल गए 3/7। 3 और 7 दोनों प्राइम नंबर है, तो आंसर यही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ 0.5 बार एंड 0.4 बार, 0.5 बार प्लस 0.4 बार, हम इनको ऐड करके 0.9 बार नहीं लिख सकते, ये आपको पता होगा। हमको इनको क्या करना पड़ता है, पहले इनको रेशनल नंबर में कन्वर्ट। तो हमने x अज्यूम किया 0.5 बार को, मल्टीप्लाई किससे होगा, 10 से, तो 10x होगा 5.5 बार, इनका डिफरेंस 9x इक्वल टू 5, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 5/9। एक ही क्वेश्चन में दो एक्स नहीं होते, तो हम इसको वाई अज्यूम करेंगे कि वाई इज़ 0.4 बार मल्टीप्लाई बाय 10, तो 10y इज़ 4.4 बार, डिफरेंस 9y इज 4, वाई की वैल्यू आ गई 4/9। अब दोनों को ऐड करें तो 5/9 प्लस 4/9, 5/9 0.5 बार, 10 से मल्टीप्लाई किया, 10x 5.5 बार, 9x इक्वल टू 5, एक्स इज 5/9, 4 बार करेक्ट। तो 5/9 प्लस 4/9 इज एक्चुअली 9/9 विच इज इक्वल टू 1, तो 1 तो ऑप्शन ही नहीं है, 7/9, 7/11, 7/10 एंड 7/9, देयर इज अ मिसप्रिंट 100%। द सम ऑफ 0.5 बार एंड 0.4 बार इज 0.04 कर दें यदि हम इसको, तो क्या होगा, तो हम इसको पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से करेंगे, तो यहाँ आएगा 99y इक्वल टू 4, वाई की वैल्यू आएगी 4/99। फिर हम इन दोनों को ऐड करें तो यहाँ 99 है, एलसीएम आता 99, तो 11 5 55 प्लस 4, इट इज़ 59/99 आता, 5 + 4, आई विल चेक दिस, देयर इज सम मिसप्रिंट इन दिस क्वेश्चन, इसका आंसर इनमें से कुछ भी नहीं आ रहा है, 0.5 बार एंड 0.4 बार नहीं आएगा, मैं चेक कर लूँगी बेटा, है ना, एक बार कई बार मिसप्रिंट हो जाती है टाइपिंग में, टाइपिंग एरर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ एक्स इज़ अ पॉजिटिव नंबर, रियल नंबर, देन इस सब का क्या मतलब, इसका मतलब है अंडर रूट एक्स स्क्वायर, और इसके ऊपर है थर्ड पावर, और इसकी थर्ड है 4, तो सब की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया, एक्स की पावर 2 की पावर क्यूब रूट ऑफ 3, मतलब पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/4, 2 से ये कैंसल, तो क्या बचेगा, एक्स की पावर 1/6, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6th root of x, तो यहाँ एक्स की पावर 1/6 नज़र आ रहा है, तो x की पावर 1/6 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 1.999 इन द फॉर्म p/q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। 9999 का मतलब क्या हुआ, 1.9 बार, तो x इक्वल टू हो गया 1.9 बार, डेसिमल के बाद देर इज ओनली वन डिजिट जिस पे बार है, मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 10x इज 19.1 बार,
फिर डिफरेंस निकालेंगे तो 10 और x में कितने का डिफरेंस है, 9 का, और 19 माइनस 1 इज 18, तो x आपका क्या आ गया, x इज अप्रॉक्सीमेटली 2, x की वैल्यू क्या आ गई 2, 1.999999 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2 ही होता है, जैसा हमारा एनसीईआरटी में क्वेश्चन था, 0.9999 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली क्या आ रही थी, 1 आ रही थी, है ना। नेक्स्ट ये क्वेश्चन मुझे भेजा है आप में से हार्दिक ने, तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन, सिंप्लीफाई, 1/√2 + √3 प्लस, मैं थोड़ा गैप दे के लिख रही हूँ ताकि मैं रैशनलाइज करने के लिए स्पेस रहे, √6 + √3 + 4√3 / √6 + √2। आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, मतलब सबको रैशनलाइज करके फिर जो भी लाइक टर्म्स हैं उनको कंबाइन कर दें, ठीक। तो √2 + √3 को रैशनलाइज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, √2 - √3 / √2 - √3। √6 + √3 विल बी मल्टीप्लाइड बाय √6 - √3 / √6 - √3। सिमिलरली लास्ट टर्म √6 + √2 विल बी मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय √6 - √2 / √6 - √2। सेम नंबर्स विथ अपोजिट साइन। अब आपको पता है बेटा डिनोमिनेटर में हमेशा स्क्वायर हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर में आपका √2 / √3 / √3 वैल्यू क्या आ गई, -1। न्यूमरेटर में आपका √2 - √3 एज इट इज, प्लस यहाँ पर √6 / √3 √3 / √3 6 - 3 = 3। न्यूमरेटर में एक 3 है, उसको ऐसे ही रखो ताकि इससे कैंसिल हो जाए, √2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो गया, √12 - √6। नेक्स्ट इज प्लस 4 times √3 × √6 इज √18 एंड √3 × √2 इज √6 डिवाइडेड बाय √6 / √6 √2 / √2 6 - 2 = 4। नाउ यू कैन सी दैट ये 4 कैंसल, ये 3 कैंसल। अब आपका जो बचा है, इसके डिनोमिनेटर में -1 था, नेगेटिव साइन न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा, इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो गया -√2 + √3। अब यहाँ पर +√12 है, √12 को हम क्या लिखते हैं, 4 3 ज़ा दैट इज़ 2√3, तो ये बन गया 2√3। √6 एज इट इज़ प्लस √18 इज़ 9 2 ज़ा 9 इज़ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3, सो दिस इज़ 3√2 -√6, ये आया। अब देखो क्या लाइक टर्म्स हैं, ये +√3 + 2√3 दोनों कंबाइन हो गए, तो +3√3 -√2 + 3√2 लाइक टर्म्स, तो क्या बचेगा, प्लस का 2√2, तो और ये √6 दोनों नेगेटिव हैं, तो -2√6। ये आपका सिंप्लीफाई करके आंसर आ गया, √2 1 बार √3 1 बार √6 1 बार जो भी कोफिशेंट है, ये इसका सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 4/√3 + √7। अब ऐसे में हम क्या करते हैं, हम दो टर्म को एक बना के, हाँ, और फिर आइडेंटिटी लगा रैशनलाइज करते हैं, मतलब हम क्या करेंगे, 2+√3 को सिंगल टर्म और √7 को सिंगल टर्म की तरह कंसिडर करेंगे, तो ये हमारी एक टर्म है, एक टर्म ये है, तो रैशनलाइज करेंगे तो ये 2+√3 सेम रहेगा और ये प्लस बनेगा -√7 डिवाइडेड बाय 2+√3 - √7। ये बीच में पॉजिटिव साइन था, इसको हमने चेंज किया और नंबर की पेयरिंग कर दी, 2 और √3 की पेयरिंग क्यों की, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, तो 4+3 विल बी +7 और √7 का स्क्वायर आएगा -7, +7 - 7 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, इसलिए हमने इस तरह से कॉम्बिनेशन लिया है, ये 4 एज इट इज़, ये 2+√3 - √7 न्यूमरेटर में एज इट इज़, डिनोमिनेटर में आपका क्या हो गया, दिस इज 2+√3 का होल स्क्वायर -√7 का स्क्वायर a² - b² न्यूमरेटर में देर इज़ नथिंग टू बी सॉल्व, यू विल नीड टू सॉल्व ओनली डिनोमिनेटर पोर्शन, तो 2 का स्क्वायर 4
रूट थ्री का स्क्वायर 3 प्लस 2 2 4 रूट 3 एंड माइनस रूट 7 का स्क्वायर माइनस 7। और अब आपको पता है कि ये जो 4 प्लस 3 है दिस विल गिव यू 7 और माइनस 7 कैंसल। तो अब आपका क्या बचा है, न्यूमरेटर में 4 टाइम्स 2 प्लस रूट 3 माइनस रूट 7, डिनोमिनेटर में आपके पास बचा है 4 रूट 3। ओनली दिस टर्म इज रिमेनिंग, बाकी के कैंसिल हो गई। तो 4 रूट 3 का ये 4 कैंसिल। अब डिनोमिनेटर में आपके पास रूट 3 है तो रेशनलाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, यू नीड टू रेशनलाइज इट अगेन। तो हम इसको फिर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय रूट 3 करेंगे। तो डिनोमिनेटर में तो रूट 3 इंटू रूट 3 क्या हो गया 3, ऊपर 2 इंटू रूट 3 इज 2 रूट 3, रूट 3 इंटू रूट 3 विल बी 3 एंड रूट 7 इंटू रूट 3 विल बी रूट 21। तो आपका ये आंसर आएगा। आप चाहें तो इसको 3 प्लस आगे पीछे करके लिख सकते हैं, 3 प्लस 2 रूट 3 माइनस रूट 21 डिवाइडेड बाय 3, या डिवाइड बाय 3 को 1 बाय 3 करके इस तरह से ब्रैकेट में भी लिख सकते हो। ठीक है, इससे ज़्यादा हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 16। द कोशेंट ऑब्टेन व्हेन रूट 1500 इज डिवाइडेड बाय 2 रूट 15। तो रूट 1500 को हमने किससे डिवाइड करना है, 2 रूट 15 से। तो देखो सबसे पहली बात कि दोनों के ऊपर रूट है, मतलब पावर स्क्वायर रूट, तो हम इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं कि रूट 1500 डिवाइडेड बाय 15। 15 से 1500 100 टाइम्स कैंसिल हुआ, 100 का स्क्वायर रूट, 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10, तो दिस इज 10 एंड डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज़, 2 से 10 कैंसिल हुआ, आंसर क्या आ गया 5। तो ये आपका आंसर है बी, दैट इज़ 5। सिंपल कंसेप्ट है, थोड़ा सा घुमा के दिया ताकि कन्फ्यूज़ होने वाला बच्चा कन्फ्यूज़ हो जाए, बट इफ़ यू रिमेंबर योर कंसेप्ट आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ये क्वेश्चन भी हमने एनसीईआरटी में भी किया था, द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ 1/n वेयर n इज़ अ प्राइम नंबर s। आपको पता है जो भी डिजिट है उसे एक कम कर देते हैं, तो आंसर क्या आएगा n-1। जैसे एनसीईआरटी में था 1/17 के रिपीटिंग ब्लॉक में मैक्सिमम डिजिट्स कितनी हो सकती है, तो आंसर हुआ 17-1 दैट इज 16। 1/3 में कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 2, मिनिमम 1 हो सकती है। मैक्सिमम पे लिमिटेशन है, मिनिमम की कोई लिमिटेशन नहीं, एक डिजिट के बाद भी हो सकता है, दो डिजिट के बाद भी हो सकता है, पर मैक्सिमम इज़ लिमिटेड। यदि 1/23 है तो मैक्सिमम 22 प्लेस तक देखते हैं, उसके पहले रिपीट हो जाएगा या 22 तक रिपीट होगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ 0.3 बार एंड 0.2 बार इज, तो 0.3 बार प्लस 0.2 बार करना है, तो हम फिर से वही करेंगे 10x, तो 9x इक्वल टू क्या आएगा 3 माइनस 0, मतलब x इज 0.3 बार, तो 10x क्या होगा 3.3 बार, तो 9x इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/3। y की वैल्यू 9x 9y इक्वल टू क्या आएगा 2, तो y की वैल्यू आ गई 2/9। अब दोनों को ऐड करें तो 1/3 प्लस 2/9, एलसीएम क्या आया 9, 3 3 3 3 9, 3 प्लस 2 आंसर क्या आएगा 5/9, तो 5/9 इज़ द करेक्ट आंसर। अभी जितनी कम स्टेप में कर सको उतना अच्छा है। आपको पता है डेसिमल के बाद देयर इज़ ओनली वन नंबर जिस पे बार है, तो हम डायरेक्टली माइनस करेंगे तो 9 आएगा और इनका डिफरेंस क्या आएगा 3, तो 9 इक्वल टू 3, 9 टाइम्स समथिंग, तो x की वैल्यू 3/9 ये 2 है, तो 9y इक्वल टू 2, तो y क्या हो गया 2/9, तो आपको पता चल गया 3/9 2/9 5/9। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ द नंबर रूट 2 इज, थोड़ी देर पहले रूट 5 का पूछा था, रूट 2 का पूछ लिया, रूट 2 इरेशनल नंबर है, डेसिमल एक्सपांशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ऑप्शन डी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20। द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ, रेशनलाइजिंग फैक्टर किसका पूछा है, 1/√50 का, रूट 50 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि वो रैशनलाइज हो जाए। तो देखो रूट 50 आपका एक्चुअली क्या है, दिस इज़ रूट
25 इंटू टू, 25 परफेक्ट स्क्वायर है 5 का, दिस कैन बी रिटन एज 5 रूट टू। तो रेशनलाइज करने के लिए किसको मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ रूट टू को, आपको सिर्फ ये 2 को बाहर निकालना है, 5 तो ऑलरेडी बाहर है, तो हम इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय रूट टू करेंगे, तो रेशनलाइजिंग फैक्टर आपका क्या हुआ, रूट टू, ऑप्शन इज रूट टू, रूट 50 नहीं होगा क्योंकि जो परफेक्ट स्क्वायर है वो निकालना पड़ता है बाहर, तो आंसर आएगा रूट टू, 52 जा कर देते 100 हो जाएगा, 110 हो जाएगा, इसलिए दिस इज़ रूट टू, ठीक है, तो रूट टू आएगा आंसर, 5√2 मत लिख देना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21, इफ एक्स इक्वल टू रूट 7 अपॉन 5 एंड 5 अपॉन एक्स इक्वल टू पी रूट 7 देन वैल्यू ऑफ पी एस, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू ये है और p रूट 7 5 बाय एक्स है, तो x की जगह हम रूट 7 बाय 5 रखेंगे, तो 5 डिवाइडेड बाय रूट 7 अपॉन का 5 कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में, दिस इज इक्वल टू p रूट 7, तो ये रूट 7 इधर आएगा, तो रूट 7 इंटू रूट 7 क्या हो गया 7, तो 25 अपॉन 7, p की वैल्यू क्या हो गई, p इज 25 बाय 7, दैट इज़ ऑप्शन बी। रेशनलाइज वगैरह करने की ज़रूरत ही नहीं, जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, x की जगह पर वैल्यू रख दी रूट 7 बाय 5, 5 चला गया न्यूमरेटर में, है ना, तो बस ये मल्टीप्लाई होकर रूट 7 इधर है, रूट 7 इंटू रूट 7 बिकम 7 और 5 जो 25, तो आंसर 25 बाय 7। 22, द वैल्यू ऑफ 2.9 बार इन द फॉर्म p बाय क्यू, तो अब इसको कम स्टेप्स में करना है, तो पहले मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10 से, तो 29 होगा, 29.9 बार, और पहली बार क्या था 2.9 बार, और इधर आपका x है और ये 10x है, तो इधर तो बेटा 9x आएगा और 29 माइनस 2 विल गिव यू 27, तो x की वैल्यू क्या हो गई 27 अपॉन 9 दैट इज 3। कभी भी ऐसा नंबर दिखे 2.99999 मतलब वो 3 हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। अमंग द फॉलोइंग द रैशनल नंबर इज, इसमें से कौन सा नंबर रैशनल नंबर है, तो रूट 64 अपॉन 8, 8 8 ज़ा 64, 8 का परफेक्ट स्क्वायर रूट, 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 8 क्या होता है, रूट 8 इज़ एक्चुअली 2√2, रूट 98 कैन बी रिटन एज 49 2 ज़ा, 49 किसका स्क्वायर है 7 का, तो ये एक्चुअली क्या है 7√2, ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल। नेक्स्ट इज रूट 98 अपॉन रूट 2, तो रूट 98 तो 7√2 है और डिवाइड बाय रूट 2 है, तो रूट 7, 7√2 का रूट 2 कैंसिल, आंसर क्या आ गया 7, तो दिस इज़ अ रैशनल नंबर। रूट 14 इरेशनल है, तो आंसर क्या आया रूट 98 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 81 टू द पावर माइनस 1/4, 81 किसकी पावर 4 है, 3 की पावर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, तो ये 3 की पावर 4 की पावर माइनस 1/4 इंटू 4th रूट ऑफ 81 इज़ अगेन 3, ये दोनों कैंसल, 3 की पावर माइनस 1 इंटू 3 मतलब पावर ऐड होके 0 हो गई 3 की पावर, तो 3 की पावर 0 मतलब आंसर क्या हुआ 1। अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना, घुमा के दिया है आपको, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 3 की पावर माइनस 1 मतलब 1/3 इंटू 3, 3 कैंसल तो भी आंसर क्या आएगा 1, तो थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की है, घूम जाओगे तो घूम जाओगे, कंसेप्ट ध्यान रखोगे तो नहीं घूमोगे। द सम ऑफ 2√5 एंड 3√7, 2√5 और 3√7 का सम 5√7 आएगा क्या, नहीं आ सकता ना, दोनों अलग अलग हैं, इट इज़ लाइक वो x है और वो y है, तो हम x और y मिक्स थोड़ी कर देंगे, आपके पास केक और पिज्ज़ा है तो आप दोनों को मिक्स थोड़ी कर दोगे, अलग अलग खाओगे तो ढंग से टेस्ट आएगा, केक और पिज़्ज़ा मिक्स करके खाओगे कुछ ढंग का टेस्ट नहीं आएगा, है ना, तो दिस इज़ 2√5 एंड 3√7, बस बीच में प्लस का साइन लगाकर हम इस तरह से लिख देंगे। हाँ, मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते यदि इसका प्रोडक्ट पूछा होता तो 2 3 ज़ा 6 और √5 इंटू √7 मल्टीप्लाई होकर आ जाता 35, तो ये इनका प्रोडक्ट है और इनका सम मतलब सिंपली ऐसे ही जो भी नंबर्स हैं अलग अलग वेरिएबल है ना, इरेशनल नंबर दोनों अलग हैं, सेम होते तो हम कंबाइन कर देते, यहाँ भी यदि √5 होता तो ऐड करके हम 5√5 लिख सकते थे, या यहाँ पर √7 होता तो ऐड करके हम 5√7 लिख सकते थे, अलग अलग इरेशनल नंबर्स हैं, यू कैन नॉट कंबाइन देम, यू जस्ट नीड टू राइट देम लाइक दिस, ठीक है।
ठीक है, सेपरेट ही लिखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ दिस इज 81 की पावर माइनस 1 बाई टू की पावर माइनस 1 बाई फोर की पावर 2. तो सबसे पहले 81 क्या है, 3 की पावर 4, अभी ऊपर किया था, है ना, 3 की पावर 4. तो 3 की पावर 4 और उसकी पावर माइनस 1 बाई टू, उसकी पावर माइनस 1 बाई फोर और उसकी पावर 2, ये लिख दें. सब देखो पावर्स कैसे जा रही है, ये 4 से ये 4, ये 2 से ये 2 कैंसिल, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर पावर क्या हो गई, प्लस. तो 3 की पावर 1 मतलब आंसर क्या आया, 3. तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चन. नेक्स्ट इज रेशनल नंबर नॉट लाइंग बिटवीन माइनस 1 बाई फाइव एंड माइनस 2 बाई फाइव इज, माइनस 1 बाई फाइव और माइनस 2 बाई फाइव के बीच में ज़ीरो नहीं हो सकता. नंबर लाइन याद है ना, ज़ीरो के बाद माइनस 1 माइनस 2 अपॉन 5, तो इनके बीच में ज़ीरो नहीं आ सकता. नेगेटिव नंबर्स हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होता तो उनके बीच में ज़ीरो आता. दोनों नंबर नेगेटिव साइड पर जा रहे हैं तो उनके बीच में ज़ीरो नहीं आएगा. तो ज़ीरो दिख गया तो हम उस पर टिक कर देंगे. माइनस 1 बाई 4 हो सकता है, माइनस 7 बाई 25, वो हम उसको कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा. 25 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों को 5 से मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा माइनस 5 बाई 25, ये बनेगा माइनस 10 बाई 25, तो इनके बीच में माइनस 7 बाई 25 हो गया. हमको यदि डिनोमिनेटर में 10 चाहिए तो हम इसको 10 से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो ये माइनस 4 बाई 10 और ये माइनस 2 बाई 10, तो इनके बीच में माइनस 3 बाई 10 भी है, ये भी है, ये भी है, है ना. देखते ही आंसर क्लिक कर गया तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको इस तरह से देखना पड़ेगा. अब माइनस 1 बाय 4, तो माइनस 1 बाय 5 को 1 बाय 4 में यदि कन्वर्ट करना है तो 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो हो जाएगा माइनस 8 अपॉन, मतलब 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो माइनस 2 बाय 5 इंटू 4 अपॉन 4, तो 5 बाय 4 से मल्टीप्लाई, है ना. वन बाय फोर अपॉन में आई वॉन्ट फोर, फाइव बाय फोर से मल्टीप्लाई किया तो ये बचेगा माइनस टू बाय फोर. इसको भी इसी से किया, माइनस वन अपॉन फाइव इंटू फाइव बाय फोर, ये कैंसल, तो माइनस वन बाय फोर एंड माइनस टू बाय फोर भी आ गए. ठीक है, तो ज़ीरो सीधे दिख रहा था तो ज़ीरो ही क्लिक कर दो. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28, एन इरेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 2.5. पहली बात तो क्या बोला है, इरेशनल, रेशनल नहीं चाहिए. तो और आप देखो तो सारे नंबर इरेशनल हैं, हाँ, तो हमको 2 और 2.5 के बीच का नंबर, मतलब इन सब की वैल्यू हैज़ टू बी कैलकुलेटेड इनटू डेसिमल. तो रूट 5 आपको पता है 2 पॉइंट समथिंग होता है, 2 पॉइंट रूट 5 इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2.2 समथिंग होता है, है ना. तो यही होगा, रूट 8 आपका क्या हो गया, 2 रूट 2, रूट 2 इज़ 1.414, तो 2 इंटू 1.414 करेंगे तो ये 2.8 हो जाएगा, 2.8 समथिंग, मतलब ये रेंज क्रॉस कर गया. रूट 7, रूट 7 इज़ 2 2 ज़ा 4. अब हमारा डेसिमल लग गया 0. अब मैं 5 ज़ा करूँगी तो 5 5 ज़ा 25, बचेगा 2 5 25 6 2.6 के ऊपर आ रही है वैल्यू, 2.5 तक थी. तो दिस इज़ क्रॉस द लिमिट, दिस इज़ क्रॉस द लिमिट, बचा रूट 6.5. तो ऑब्वियसली रूट 5 स्मॉल है तो यही आंसर आएगा. तो ये सब रूट में कैलकुलेशन करना भी आना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 243 रेज टू द पावर 1 बाय 5. 243 क्या है, 3 की पावर 5. याद होगा जितना उतना काम आसान, ये कैंसल, आंसर क्या आ गया, ओनली 3. यदि याद नहीं है तो इट विल टेक टाइम टू कैलकुलेट की 3 की पावर 81 इंटू, मतलब 81 इज 3 की पावर 4 और वो एक पावर और ऐड हो गई तो 3 की पावर 5. द वैल्यू ऑफ रूट 3 की पावर माइनस 2, तो क्या हो गया, 3 की पावर माइनस 2 इंटू 1 बाई 2 कैंसल, 3 की पावर माइनस 1, 3 की पावर माइनस 1 इज
वन बाय थ्री देख करके कर सकते हो आप, हाँ तो आंसर क्या आ गया, डी वन बाय थ्री, दिस इज थ्री की पावर थ्री, रूट थ्री का अंडर रूट थ्री की पावर माइनस टू इज वन बाय थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ एक्स इक्वल टू रूट सेवन बाय फाइव, ये अभी हम कर चुके हैं, रिपीट हो गया 31st, है ना, एक्स इज रूट सेवन बाय फाइव एंड फाइव बाय एक्स इज पी रूट सेवन, दिस इज रिपीटेड। इफ बी इज ग्रेटर देन ज़ीरो, बी ग्रेटर देन ज़ीरो का क्या मतलब, बी पॉजिटिव है एंड बी स्क्वायर ए के इक्वल है, देन रूट ए किसके इक्वल होगा, देन रूट ए लेंगे तो रूट बी स्क्वायर का रूट होगा दैट इज बी, तो रूट ए किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल होगा, तो आंसर क्या आएगा, रूट ए इज इक्वल टू बी, क्योंकि बी इज ग्रेटर देन ज़ीरो तो बी पॉजिटिव है, तो रूट ए लेंगे तो रूट बी, बी स्क्वायर का रूट दैट इज पी, है ना, ए प्लस रूट बी, हमने आइडेंटिटी एक्सरसाइज में आपको दिया हुआ है, ए प्लस रूट बी ए माइनस रूट बी, आइडेंटिटी कौन सी लगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए तो ए है तो ए का स्क्वायर और रूट बी का स्क्वायर क्या होगा, बी, तो आंसर क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी, ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ थ्री बाय सेवन इज, तो आपको याद हो तो आपने एन सी आर टी में वन बाय सेवन का डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ा था, वन बाय सेवन वॉज 0.142857 बार, है ना, तो 3/7 निकालना है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर देते हैं हम, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 21 कैरी 2, 3 5 15 और 2 17 कैरी 1 24 एक सेकेंड, जीरो पॉइंट फोर टू फोर फाइव एट सेवन, क्या हो रहा है, 4 2 8 5 7 1, मैंने गलत वैल्यू लिखी क्या, 1 4 2 8 5 7, ये एट नहीं है आई थिंक, 1 4 2 8 5 7 कर लेते हैं, मैं भी भूल गई बहुत दिन हो गए, तो 1/7 क्या होता है, तो हम 3/7 ही कर लेंगे ना, अब हमको ये करना ही है, तो हम 1/7 याद रखना, 3/7 0.3 7 3 7 4 2 8 5 7, अब 1 आएगा, 7 7 49 बचेगा 1, तो ये 0.42857 आएगा, 1/7 की वैल्यू याद रखना ताकि इसमें कहीं भी गड़बड़ ना हो। 1/7 पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज, दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट, रैशनल नंबर के बीच में कुछ भी करो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, यू विल ऑलवेज गेट अ रैशनल नंबर ओनली, तो आंसर क्या आएगा, ऑलवेज अ रैशनल नंबर, दिस इज, ये ध्यान से पढ़ना, यार रैशनल लिखा है कि इरेशनल, इरेशनल होता तो समटाइम्स रैशनल समटाइम्स इरेशनल, पर रैशनल बोला है दोनों तो ऑलवेज रैशनल, और एक रैशनल एक इरेशनल हो तो इरेशनल, एक्सेप्ट बाय मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो। ठीक है, तो आज हमने 35 क्वेश्चंस ये कर लिए, प्लस 2 क्वेश्चन जो हार्दिक ने पूछे थे। ठीक है, तो विल कंटिन्यू टुमारो, तब तक आप इन सारे क्वेश्चंस को फिर से ट्राई कीजिए, देखिए आपको आ रहे या नहीं आ रहे, इसके अलावा भी कहीं से भी कोई डाउट हो तो वो मुझे व्हाट्सएप कर दो। थैंक यू।